हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए राखी स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो कि एकदम झटपट बन जाएगा और आप इसे झटपट तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी और बेसन का स्वादिष्ट लड्डू और हेल्दी लड्डू। हेल्दी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर चीनी के यूज़ नहीं करेंगे, हम इसे बनाएंगे गुड़ के साथ, क्योंकि गुड़ जो है हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो चलिए इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ जैसे रिक्वेस्ट हमें समय करती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा सूजी और बेसन का स्वादिष्ट लड्डू जिसे हमने गुड़ के साथ बनाया है। और कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा आया है और बहुत झटपट भी बन जाता है। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को गर्म होने रख दिया है और इसमें मैं डाल देती हूँ 2 कप बेसन और 2 कप सूजी। यहाँ पर मैंने इक्वल क्वांटिटी लिया है सूजी और बेसन का। अगर आप चाहे तो यहाँ पर 2 कप बेसन है तो 1 कप सूजी भी ले सकते हैं, फिर भी आपका लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि मतलब अच्छा ही बनता है। तो यहाँ पर मैंने बराबर क्वांटिटी में ले लिया है और उसके बाद हम इसे हल्का सा मतलब थोड़ा सा करीब 1.5 से 2 मिनट हम इसे भून लेते हैं सूखा ऐसे कढ़ाई में, मीडियम या फिर लो फ्लेम पे आप भूनिए, एकदम हाई नहीं करिए क्योंकि हाई में जलने का डर होता है। क्योंकि हम जब इसे सूखा कढ़ाई में जब ऐसे भूनते हैं बिना घी का तो इसका जो कच्चापन है वो चला जाता है जल्दी से, और उसके बाद जब हम घी डाल के भूनते हैं तो बहुत जल्दी हमारा जो सूजी और बेसन है वो अच्छे से भून जाता है। तो इसीलिए हम इसे पहले सूखा कढ़ाई में पहले भून लेते हैं जिससे कि इसमें जो नमी है कच्चापन है वो चला जाए। तो चलिए 2 मिनट हमारा हो गया है, अब हम यहाँ पर डाल देते हैं घी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं यहाँ पर 2 कप सूजी और 2 कप बेसन मतलब टोटल हमारा 4 कप हो गया, इसलिए हम यहाँ पर 1.5 कप कम से कम घी लेंगे। कभी कभी 2 कप भी लग सकता है, बेसन और सूजी के जो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कम से कम आपको 1.5 से 2 कप के लगभग घी लगेगा। तो पहले आप 1 कप घी को डालिए और उसके बाद अगर आपको लगता है तो फिर 1/2 कप घी डालिए, और फिर और लगता है तो फिर 1/2 कप आप डालिए तो आपका बिल्कुल अच्छा बनेगा। तो ये देखिए हमारा घी डालने के बाद इसका टेक्स्चर आप देख सकते हैं इस टाइप से हो गया है, थोड़ा सा अभी गीला दिख रहा है। और उसके बाद भूनते सूजी और बेसन हमारा जब फूल जाता है तो ये देखिए अभी कैसे इसका टेक्स्चर जो है एकदम अलग हो गया है। तो बस भीनी भीनी खुशबू भी आना शुरू हो गया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं फूड कलर में डाल रही हूँ रेड ऑरेंज कलर जो होता है वो डाल रही हूँ। और ये इलायची पाउडर है, इलायची पाउडर को मैंने शक्कर के साथ ग्राइंड करके रखा है। अगर नहीं रखा है आपने तो इसे 4-5 इलायची को अच्छे से रोस्ट हल्का सा भून लीजिए तवे में, और उसके बाद उसे कूट कर यहाँ पर डाल दीजिए। और भूनते भूनते देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है, और कलर अच्छा आ गया है। इसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं गुड़। तो गुड़ को अच्छे से तोड़ लीजिए और पाउडर टाइप से करके ही डालिए और गैस को बंद कर दीजिए। अब गरम जो हमारा जो मतलब सूजी और बेसन जो गरम है और हमारा कढ़ाई भी गरम है, गैस को हमने बंद कर दिया है, इसी में ही हमारा गुड़ जो है वो मिक्स हो जाएगा। आपको गैस को बंद कर देना है और अच्छे से चम्मच की सहायता से अगर थोड़ा बहुत कहीं भी लंग्स है गुड़ का उसे फोड़ते जाइए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए हमारा अच्छे से गुड़ मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद हम इसे हल्का सा जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसे लड्डू बांध लेंगे। अगर आप गरम गरम में बांध सकते हैं तो गरम में भी बांध सकते हैं, पर मुझे नहीं बनता है तो मैं थोड़ा सा इसे हल्का सा ठंडा कर लेती हूँ। और ये देखिए हमने थाली में एक निकाल लिया है और इसे अब हम अच्छे से लड्डू बांध देंगे। तो कहीं पर भी अगर गुड़ का लंग थोड़ा सा आपको लगता है तो उसे फोड़ दीजिए, और बस आसानी से आपका लड्डू जो है बनकर तैयार है। तो देख सकते हैं कितना इजी है और झटपट भी बनने वाला है, साथ में हेल्दी भी है। इसे अब बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है साथ में। तो चलिए इसे गोल गोल लड्डू जिस साइज का आपको बनाना है वैसे आप बना लीजिए। तो सभी को मैंने लड्डू ऐसे ही बांध देती हूँ। और ये देखिए सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं और बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने बनाया कि नहीं। आप इसे राखी हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे आपको ऐसे ही खाना हो, आप कभी भी इसे बना सकते हैं। 10 मिनट में आपका लड्डू बनकर तैयार हो जाता है, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए मैंने लड्डू बना लिया है और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है बेसन का लड्डू, चाहे बेसन सूजी हो, चाहे बेसन का हो, चाहे सूजी का लड्डू है, मुझे मतलब बहुत ही पसंद है लड्डू। और मेरा बेटा भी बहुत खाता है तो हम बीच बीच में मैं ऐसा बना ही लेती हूँ, कभी सूजी बेसन, कभी बेसन, और भी बहुत सारा है जो मैं धीरे धीरे आपसे शेयर करते रहूँगी। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज की रेसिपी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते, तब तक के लिए बाय।